सो हे गाइस, दिस इज़ सूरज शर्मा एंड यू आर वॉचिंग नीट रूट्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं टाइम रेंज पिकर। तो आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस में देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, टाइम को पिक करने वाला एक क्लॉक होता है, राइट? तो हम यहाँ आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि हमें अगर डिफरेंट टाइप का अगर टाइम रेंज पिकर अगर हमें यूज़ करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। हमें एंड्रॉयड पे भी मिलता है लेकिन वो हमें बेसिक सा मिलता है, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने एप्लीकेशन में कुछ डिफरेंट यूज़ करें, तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। वेलकम टू न्यू इरा ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, और अब हम बनेंगे एंड्रॉयड के चैंपियन। यहाँ पे आपको सर्च करना है टाइम रेंज पिकर, इतना मैंने यहाँ पे सर्च किया और इमेज पे मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टाइम रेंज पिकर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जैसे कि आपको देखो एक ये आपको मिल रहा है, तो आप इस टाइप का भी कुछ यूज़ कर सकते हो। और ये देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास यहाँ पे मिल रहा है। जैसे आपको ये पता होगा कि ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो मिलता है ऐसा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है, राइट? तो और भी यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं इन एंड्रॉयड। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे अलग अलग ऐसा भी कुछ आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो कुछ ऐसा आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो आपने अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आपने देखी होगी, ठीक है? तो आज के हम इस वीडियो में इस टाइप का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ओके? तो ये जो है ये आपको कैसे मिलता है, इन सब की क्या होती है, कस्टम कस्टम लाइब्रेरी बनी हुई होती है जो कि किसी डेवलपर ने या फिर किसी ने बना के रखा है, ओके? तो हम इसको सिंपली यहाँ से गिटहब की लाइब्रेरी को यूज़ करके हम इसको बना सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे आपको सर्च करना है टाइम रेंज पिकर, और यहाँ पे आपको लिखना है गिट हब, इतना आप लिख देना। और इतना लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे टाइम रेंज पिकर के नाम से आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने इसको सर्च किया और यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिल रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक अच्छा सा यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। ये वाला हम यूज़ करने वाले थे और ये हमें यहाँ पे मिल चुका है, ओके? तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आपका एक XML का कोड होगा जिसके यूज़ से हम क्या कर पाएंगे, अपने इस लेआउट को हम यहाँ पे डिज़ाइन कर पाएंगे। और जो ये है हमारा बैकएंड का कोड है जिसके यूज़ से हम क्या कर सकते हैं, उसके स्टार्टिंग टाइम को, एंड टाइम को और ड्यूरेशन को हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं, और उसको जो भी हम यहाँ पे करवाना चाहे वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। और कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो जिससे हमारे पास इसको हम डिफरेंट वे में हम चेंज कर सकते हैं, ओके? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हमें यूज़ करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे ज़रूरत होती है। यानी कि अगर आप कुछ भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज़ करते हो तो आपको सबसे पहले उसकी इम्प्लीमेंटेशन या फिर उसकी डिपेंडेंसी आपको डालनी पड़ती है। तो इसकी डिपेंडेंसी आपको गेट स्टार्टेड के जस्ट नीचे आपको मिल जाएगी। इसको आपको करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद जाना है आपको अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो हम एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। मैं एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे टाइम रेंज पिकर के नाम से यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, और इसको हम यहाँ पे देख लेंगे कि इसमें कोई सबसे पहले दिक्कत ना आए। तो इसको मैं यहाँ पे होने देता हूँ, और हमारा प्रोजेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली। तो हम इसको यहाँ पे मैंने मिनिमाइज़ किया, और XML पे जाने के बाद और सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रेडल स्क्रिप्ट को आपको ओपन करना है, और जो आपका मॉड्यूल वाला लेवल है इसको आपको ओपन करना है। इतना करने के बाद आपको बॉटम में जाना है, और जो डिपेंडेंसी का सेक्शन है इसके अंदर आपको उस डिपेंडेंसी को पेस्ट करना है। अब यहाँ पे आपके पास आएगी एरर, तो ये एरर कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे लगाओ आप डबल कोट। तो डबल कोट लगाते हैं आपके पास इधर भी डबल कोट लग जाएगा और इधर भी आपके पास डबल कोट लग जाएगा। अब आपको यहाँ पे ओपन ब्रैकेट करना है, और एंड में जाने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है। इतना करने के बाद आप सिंक करोगे और बिल्ड को ओपन करके देख लोगे कोई एरर ना आए। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा जो बिल्ड है वो हो चुका है। अगर आपके पास येलो वार्निंग आती है तो आप समझ जाना कि आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है, या फिर आप इसको यूज़ करने के लिए रेडी नहीं हो, तो आपको उसको फाइंड करना है गूगल पे और आप देख लेना। फिलहाल हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया, तो हम इसको यूज़ करने के लिए रेडी हैं, ठीक है? तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, वापस जाना है क्रोम पे, और क्रोम पे जाने के बाद सबसे पहले आपको इस टैग को करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाना है आपको स्प्लिट में, और स्प्लिट में जाने के बाद आप इसके जस्ट नीचे आप इसको पेस्ट कर सकते हो। तो ये हमारे पास हमारा टाइम रेंज पिकर आ चुका है, ओके? हम टेक्स्ट यहाँ से रिमूव नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं है मुझे इसको रिमूव करने की, तो मैंने इसको यहाँ से कंस्ट्रेंट कर लिया। तो ये हमारा टाइम रेंज पिकर आ चुका है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है एंड आइकन और स्टार्ट आइकन, जो कि हम यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइकन आपको कहाँ से मिलेगा, आइकन आप खुद का यहाँ पे कस्टम डाल सकते हो। तो यहाँ पे है नहीं, तो हम यहाँ पे
खुद का कस्टम आइकन यहाँ पे डालते हैं। तो न्यू पे जाने के बाद, वेक्टर पे जाने के बाद मैं आइकन पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं डालूँगा स्टार्ट। तो स्टार्ट मेरे पास ऐसा कुछ आ रहा है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, आपकी जो मर्जी हो आप सिलेक्ट कर लेना। और इसका नेम मैं यहाँ पर डाल देता हूँ स्टार्ट, और इसको मैं करता हूँ यहाँ पर फिनिश। और एक हमें यहाँ पे एंड का आइकन भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने वेक्टर पे चलते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मैं एंड। तो एंड का कुछ मुझे ऐसा मिल रहा है, तो एंड का मेरे को क्रॉस वाला मिल जाए कुछ, तो ठीक है हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और आपको जो यूज़ करना हो वो आप बेसिकली कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कोई सा भी आइकन यहाँ पे मैंने ले लिया। तो दो आइकन्स हमारे पास आ चुके हैं। अब इस एंड वाले में हम यहाँ डालेंगे एंड वाला, तो देखो आपके पास एंड का आइकन यहाँ पे आ जाएगा। और स्टार्ट वाले में अपन डालेंगे स्टार्ट वाला। तो इतना हमने यहाँ पे डाला, और एक बार हम इसको रन करके देखते हैं कि ये हमारा कैसा दिख रहा है। ओके, तो ये जो एरर आया है इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके में नहीं आएगा। बेसिकली ये बोल क्या रहा है, हमारा जो कंपाइल SDK है वो क्या है 33 पे है, तो इसको आप 34 पे कर लो। तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, आपके पास ये एरर नहीं आएगा। अगर आपका पास भी आता है तो आप इसको चेंज कर लेना और सिंक कर देना, और उसके बाद आप इसको क्या करना बेसिकली रन कर लेना, तो आपके पास ये एरर नहीं आएगी। तो हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है, और जो हमने आइकन लगाया था यहाँ पे स्टार्ट वाले में स्टार्ट और एंड वाले में एंड का आइकन हमारे पास आ चुका है। अब बेसिकली आप ऐसे कुछ यहाँ पे चीज़ें चेंजेस कर सकते हो। ओके, तो हमने ये तो लगा लिया। अब इसके कुछ फंक्शंस होते हैं जिससे आपको क्या होगा, इसका स्टार्टिंग का टाइम और एंडिंग का टाइम वगैरह आपको यहाँ पे गेट हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मिनिमाइज़ करता हूँ, और इसके लिए हम चलते हैं वापस से यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है कुछ आइटम मिल रहा है, तो इनको आपको कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाने के बाद आपके प्रोजेक्ट में और बैकएंड के कोड में जाना है आपको। और यहाँ पे जाने के बाद इसको क्या करना है आपको बेसिकली पेस्ट करना है। अब पिकर के नाम से आपको यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिस्टनर मिल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे, या फिर हम यूज़ करेंगे बाइंडिंग को। तो मैं यहाँ पे बाइंडिंग यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ लिखूँगा मैं बिल्ड फीचर्स, और यहाँ पे लिखूँगा मैं व्यू बाइंडिंग इक्वल टू ट्रू, इतना लिखा मैंने। और इसको किया मैंने यहाँ से सिंक किया, और यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे बस बाइंडिंग। ओके, इससे पहले हमें यहाँ पे बाइंडिंग इनिशियलाइज भी करनी रहती है, मैं ज़्यादा काम बढ़ा दिया लेकिन कोई नहीं। प्राइवेट वैल, और यहाँ पे हम करेंगे बाइंडिंग, और एक्सटेंड करेंगे हम एज अ बाइंडिंग, और एक्टिविटी मेन बाइंडिंग अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बाई लेजी, और यहाँ पे हम लिखेंगे बाइंडिंग और एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, सॉरी बाइंड नहीं इन्फ्लेट, और यहाँ पे हम लिख देंगे लेआउट इन्फ्लेटर। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप करोगे बाइंडिंग डॉट रूट, इतना किया मैंने। और अब यहाँ पे मैं इसको बाइंडिंग को यूज़ करने के लिए रेडी हूँ, डॉट लगाया मैंने। और पिकर के नाम से क्या था हमारे, इसकी आईडी थी राइट, तो ये आईडी हमने यहाँ पे बस फाइंड किया है, आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते थे। अब मैं इन सभी चीज़ को यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इम्पोर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे लॉग है, तो लॉग को मैंने यहाँ पे क्या किया इम्पोर्ट किया, तो लॉग में हमें मिल रहा है टाइम रेंज पिकर के नाम से, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी राइट। आप मतलब बेसिकली क्या करना है, आपको इनको डायरेक्ट जहाँ पे डिस्प्ले करवाना होगा ना, जैसे कि हमने ये बनाया है, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट व्यू लगाओगे या कुछ भी लगाओगे, इसके अंदर आप क्या करवाओगे इन चीज़ों को शो करवाओगे राइट। तो हम यहाँ पे शो नहीं करवा के हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको हम लॉग में देख लेंगे। तो मैंने इसको रन किया, और रन करने के बाद हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है टाइम रेंज पिकर, जो कि हमारा लॉग था राइट। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, अब मैंने इसको रन किया, अब देखो रन हुआ, और एक बार लॉग को ओपन कर लेता हूँ मैं वापस से। और ये देखो अब क्या होगा, जैसे मैं इन चीज़ों को चेंज करूँगा ना, तो यहाँ पे भी चीज़ें चेंजेस होती रहेगी, आप ढंग से देखना। जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे आपके पास एंडिंग टाइम स्टार्ट टाइम और ड्यूरेशन आपके पास ये आ रही है। तो आप इन चीज़ों को यूज़ करके डायरेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले करवा के आप जो भी चीज़ करना चाहो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। ओके, अब मैं आपको कुछ चेंजेस हैं जो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये बेसिकली ये भी एक सिंपल सा ही लग रहा है हमें। तो यहाँ पे हम चलते हैं क्रोम पे, और यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे चीज़ें देख लेंगे राइट। तो देखो स्लाइडर है आपके पास, स्लाइडर के एट्रीब्यूट्स आपको यही मिल रहे हैं, तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है ग्रेडियंट, तो एक चीज़ आपको इन चीज़ों को पढ़ लेना कि कोई आपके पास यहाँ पे दिक्कत ना आ जाए ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है TRP स्लाइडर कलर, तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं इससे क्या होगा। तो चलते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा TRP कलर के नाम से एक प्रॉपर्टी, जो कि हमारा होगा
ऐप लेबल और इसको एक्सटेंड करते हैं हम, और लास्ट में जाने के बाद इक्वल टू लगाने के बाद और यहाँ पे आप इसमें कलर डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वाइट कलर डाला, इसके बाद मैं इसका कलर यहाँ पे रेड चेंज कर लेता हूँ। तो ये कलर कौन सा है, जो हमारा स्लाइडर का कलर है ना, वो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे चेंज हो चुका है। आप डिफरेंट रखना चाहो तो डिफरेंट रख सकते हो। और कुछ चीज़ें चेंजेस करके देखते हैं जिससे कुछ और चीज़ें हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। यहाँ पे आपको क्लॉक का कुछ यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है, TRP क्लॉक फेस, राइट। यहाँ पे देखते हैं हम क्लॉक फेस के नाम से हमारे पास है क्या, तो क्लॉक फेस हमारे पास यहाँ पे मिल नहीं रहा है। यहाँ पे सर्च करते हैं क्लॉक फेस, तो यहाँ पे हमने क्लॉक फेस सर्च किया और दो हमें मिल रहा है, एप्पल का और एक सैमसंग का। तो एप्पल हमने डाल रखा है तो एप्पल का बाय डिफॉल्ट आ रहा है, और यहाँ पे हम डाल देंगे हम सैमसंग। तो अब ये हमारे पास सैमसंग के फेस में आ चुका है। तो ऐसे आपको क्या करना है, डिफरेंट आपको एट्रीब्यूट यहाँ पे मिल जाएंगे, आप इसको यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो और इनकी जो वैल्यूज है वो आप यहाँ पे डाल के देख सकते हो। तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएगी और आपको यूज करना भी आसान पड़ेगा। बेसिकली आप सब चीज को इसमें कस्टमाइज कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग नीट रूट्स।